सीरियल झांसी की रानी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। तीनों आई साहब का गुस्सा रानी लक्ष्मीबाई पर बरस रहा है। महाराज गंगाधर राव भी लक्ष्मीबाई को आई साहब के कहर से बचा नहीं पा रहे हैं और ना ही मनु उनको कोई जवाब दे पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आज लक्ष्मीबाई को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। आइए लक्ष्मीबाई के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा। जो प्रजा दर्शन था जिसकी वजह से सब लोग वेट कर रहे थे, यहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा प्रथम दर्शन होगा प्रजा के साथ, वो इतना अच्छा माहौल होता है, सब आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा तोहफा देते हैं, बहुत सारे उपहार देते हैं और बहुत खुशी खुशी मैं भी जाती हूँ। पर गलती से नहीं इंटेंशनली जानकी बाई जो है हमारी वो बोलते हैं कि दिया जलाना बाकी है, आप दिया जलाइए, तो मैं दिया जलाने जाती हूँ, वो जानबूझकर धक्का दे देते हैं मेरे हाथ को और हाथ से मेरा दिया गिर जाता है, पूरे जो उपहार मुझे मिले थे प्रजा से वो सब जल जाते हैं। और ये मुझे नहीं पता कि जानकी बाई ने जानबूझ के किया, मेरे को लगता है कि मेरी से ही गलती हो गई है और पूरे उपहार जल जाते हैं। तो जो खुशी खुशी जो प्रजाई थी वैसे ही उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं, बहुत बद्दुआं देते हैं, बहुत बुरा भरा बोलते हैं और उसके से ऑलरेडी लक्ष्मी बाई को बहुत बुरा लग जाता है। प्रजा दर्शन के दौरान जानकी बाई की साजिश के चलते लक्ष्मी बाई को आज इतना कुछ सुनना पड़ा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मी बाई के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। पहले कैप्टन रॉस की वजह से दरबार में मुकदमे का सामना लक्ष्मीबाई को करना पड़ा और अब प्रजा के गुस्से का प्रकोप भी लक्ष्मीबाई पर हुआ है। हाँ, इतना कुछ सुन के प्रथम दर्शन था और वो ऐसे इतने बुरी तरीके से, इससे पहले ऑलरेडी वो दरबार हो चुका है जिसके ऊपर लक्ष्मीबाई के ऊपर पूरी कार्रवाई होती है, उसके बाद ये तो सारे इंसिडेंट्स बहुत बुरे बुरे हो रहे, तो इससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो लक्ष्मीबाई, सवाल ये है कि रूठी हुई प्रजा को आप कैसे मनाएंगी? सब कवर अप करने के लिए वो एक तो कवर अप के पहले आप देखेंगे वो बहुत डिप्रेस हो जाती है और हाँ वो धीरे धीरे ऐसा बोलेगी कि वो फिर मोटिवेट होती है और फिर बोलती है कि वो वापस सबके मन में विश्वास रहे। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी प्रजा का भरोसा जीतने के लिए मनु का अगला कदम क्या होगा। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।